Now next one again, previous session में मैंने just discuss किया था basic purpose of two dimensional array और multi dimensional array, लेकिन इस session में just मैं discuss करूँगा about memory representation of two dimensional array. Just two dimensional array के respect में इसको declare करने का basic syntax follow करेंगे. Data type represent करेगा what is the type of elements, इस array के अंदर आप किस types के element store करना चाहते हैं. अगर आपको integer type के element store करना है data type use करेंगे जो integer same है. अगर float type के element store करना then float, like that means कोई भी primitive और structure type data type allow करना possible. Next one array name, second case क्या आएगा just array name. Array name is any valid identifier name like a variable name, इस array name के place पर कोई भी variable name use करना possible. Next case रो मैक्स साइज, नेक्स्ट केस में सप्लाई क्या करेंगे रो मैक्सिमम साइज, मींस आप मैक्सिमम नंबर ऑफ रो आपको कितने रिक्वायर्ड है, 5 रो रिक्वायर्ड है देन सप्लाई करोगे 5. अगर मैक्सिमम 10 रो रिप्रेजेंट करना चाहते हो देन सप्लाई क्या करोगे जस्ट 10. सेम इज नेक्स्ट वन कॉलम मैक्सिमम साइज, सी मैक्स मींस कॉलम मैक्सिमम साइज, प्लस इस साइज किस फॉर्म में होना चाहिए, शुड बी कांस्टेंट, या तो आप कांस्टेंट इंटीजर सप्लाई करोगे या फिर सम सिंबॉलिक कांस्टेंट डिक्लेयर्ड बाय मैक्रो डिक्लेरेशंस लाइक दैट. इज द बेसिक सिंटैक्स ऑफ टू डाइमेंशनल एरे. जस्ट मैं इस केस में एक 3x4 का 2D एरे क्रिएट कर रहा हूं. अगर सपोज दैट मुझे 3x4 के मींस 3 रो और 4 कॉलम्स के फॉर्म में डेटा स्टोर कराना है, मैट्रिक्स क्रिएट करना है, देन इस मैट्रिक्स में इंटीजर टाइप्स के एलिमेंट स्टोर कराना है, देन डेटा टाइप्स के प्लेस पर जस्ट यूज क्या करेंगे इंट. नेक्स्ट वन एरे नेम जस्ट ABCD एनीथिंग लाइक दैट. देन इस केस में मुझे टोटल नंबर ऑफ रो कितने रिक्वायर्ड है, 3 रो एंड 4 कॉलम्स लाइक दैट, 3 रो 4 कॉलम्स. नेक्स्ट वन 2D array को भी partially declaration time पर initialize करना possible. We can initialize 2D array at the time of declaration or after declaration. Declarations के केस में भी इसके total two different partial declarations possible. Just इसको मैं last में compare करूँगा, अभी just मैं simple declaration point कर रहा हूँ. 2D array के केस में, इस केस में अगर बात करें तो number of row कितने दे रहा, 3 row. तो means 2D array के केस में rows को represent करने के लिए, row को separate करने के लिए again use क्या करेंगे, inner braces. इस फर्स्ट ब्रेसेस से रो रिप्रेजेंट किया हुआ फर्स्ट रो, सेम एज सेकंड रो, इस इनर ब्रेसेस के केस में रिप्रेजेंट किया हुआ नंबर ऑफ रो सेपरेटेड बाय कॉमा, देन दिस इज द थर्ड रो, थर्ड रो के बाद आपको कॉमा पास करने नीड नहीं, देन क्लोजिंग मेन रो लाइक दैट. इस केस में रिप्रेजेंट किया हुआ फर्स्ट रो सेकंड रो और एलिमेंट ऑफ थर्ड रो. तो फर्स्ट केस में फर्स्ट रो के लिए मैंने जस्ट एलिमेंट सप्लाई किए, टोटल कॉलम्स कितने हैं 4 कॉलम्स, तो एलिमेंट भी कितने पास कर सकते हैं मैक्सिमम 4 एलिमेंट्स 1 2 3 4. सेम एज 5 6 7 8 एलिमेंट्स को कंप्लीटली इनिशियलाइज करना कंपलसरी नहीं है, मींस पार्शियली भी इनिशियलाइजेशन पॉसिबल है, 9 10 11 12 लाइक दैट. इस टाइप से सपोज दैट मैंने कोई भी 2D एरे डिक्लेरेशन पॉइंट किया, 2D एरे के अंदर नंबर ऑफ रो कितने, 3 रो, कॉलम्स कितने, 4 कॉलम्स, तो इस केस में जस्ट मेमोरी रिप्रेजेंटेशन शो करना है, देन फाइनली आपको रिप्रेजेंट करूंगा हाउ मेनी वे ऑफ स्टोरिंग एरे इनसाइड मेमोरी. जस्ट मैं अभी जनरल डायग्राम प्रोवाइड कर रहा हूं. जनरल डायग्राम के केस में जस्ट 2D एरे क्रिएट किस फॉर्म होता है, इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम्स. देन फाइनली डिस्कस करूंगा मैं रो मेजर स्टोरिंग और कॉलम मेजर स्टोरिंग दोनों डिफरेंस क्या है, बाद में एक्सप्लेन करेंगे. जस्ट मेमोरी से जस्ट जनरल डायग्राम के केस में बात करें तो इस केस में एरे क्रिएट होगा, इस एरे के अंदर टोटल नंबर ऑफ रो कितने क्रिएट होंगे, एग्जैक्टली 3 रोज. टोटल नंबर ऑफ रो कितने क्रिएट हो रहे हैं इस केस में एरे के अंदर, देयर आर 3 रो. देन 3 रो के रिस्पेक्ट में अगर नंबर ऑफ कॉलम्स की बात करें तो सभी रो के अंदर एग्जैक्टली कॉलम्स कितने क्रिएट होंगे, देयर आर 4 कॉलम्स. मींस इस रो का जस्ट ऑर्डर क्या है, 3x4, तो 3 रोज के लिए स्पेस एलोकेट करा हुए, फर्स्ट रो सेकंड रो एंड थर्ड रो, लेकिन सभी रो के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, एग्जैक्टली 4 एलिमेंट्स. क्लियर, ये सिंपली को इस केस में मैंने क्रिएट क्या किया, 3x4 का जस्ट मैट्रिक्स क्रिएट किया है फॉर रिप्रेजेंटिंग एरे एलिमेंट्स. तो मैट्रिक्स के रिस्पेक्ट में एरे के एलिमेंट्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करें बेस्ड ऑन इंडेक्सेस. मींस इंडेक्सेस केस में अभी तक आपने प्रोवाइड किस लिया था, ओनली 4 एलिमेंट्स और कॉलम्स. इस केस में ये मींस दिस इज फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट कॉलम के केस में इंडेक्स क्या आएगा, 0 1 2 3. सेम एज अगेन नेक्स्ट एलिमेंट के किस में बात करना, जैसे एलिमेंट के किस में भी जस्ट मैं इंडेक्स इनर प्लेस पर प्रोवाइड कर रहा हूँ, जैसे आपके लिए कोई कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो.
दिस इज द फर्स्ट रो, फर्स्ट रो का इंडेक्स क्या होगा 0, सेकंड रो का इंडेक्स क्या रहेगा 1, थर्ड रो का इंडेक्स क्या होगा 2। मींस इस केस में अगर एरे नेम की बात करें तो एरे का नेम क्या है, ए। लेकिन एरे के अंदर टोटल रोज कितने दे रहा, 3 रो, तो रो यूनिकली आइडेंटिफाई किसके बेस पर होंगे, बेस्ड ऑन रो इंडेक्स। फर्स्ट रो का इंडेक्स क्या है 0 1 2, फर्स्ट रो के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने क्रिएट होंगे 4 एलिमेंट्स, सेकंड रो के अंदर भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने क्रिएट हो रहा 4, सेम इन केस ऑफ थर्ड रो। मींस सभी रो का साइज कैसा है, एग्जैक्टली सेम साइज। नेक्स्ट वन, इस रो के अंदर मींस इस फर्स्ट रो का ये कौन सा कॉलम है, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, तो फर्स्ट कॉलम का इंडेक्स क्या रहेगा जस्ट 0, सेकंड कॉलम का इंडेक्स क्या रहेगा 1 0 1, थर्ड कॉलम का इंडेक्स क्या है 2, फोर्थ कॉलम का इंडेक्स क्या है जस्ट 3। इस देन एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने का वे क्या रहेगा, फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट को एक्सेस करने का मींस किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करने का वे क्या रहेगा, एरे नेम देन रो इंडेक्स एंड कॉलम इंडेक्स, रो इंडेक्स एंड कॉलम इंडेक्स। फर्स्ट केस में सभी कॉलम, फर्स्ट कॉलम के केस में तो फर्स्ट कॉलम का इंडेक्स क्या है जस्ट 0, क्लियर। सेकंड कॉलम का इंडेक्स क्या है जस्ट 1, थर्ड कॉलम का इंडेक्स क्या है 2 एंड फोर्थ कॉलम का इंडेक्स क्या है 3, क्लियर। इस टाइप से सभी एलिमेंट के इंडेक्सेस कैसे होंगे, डिफरेंट डिफरेंट, लेकिन एलिमेंट को एक्सेस करने का वे क्या है, एरे नेम। सबसे पहले एरे नेम की बात करें तो एरे का नेम क्या है ए, देन रो इंडेक्स, इस कंप्लीट रो का इंडेक्स क्या है 0, तो इस प्लेस पर रो इंडेक्स क्या अप्लाई करो 0, रो इंडेक्स, कॉलम इंडेक्स, अगेन एरे नेम, रो इंडेक्स, इस केस में रो का इंडेक्स क्या 0, मीन सभी एलिमेंट का रो इंडेक्स क्या सेम और डिफरेंट डिफरेंट, फर्स्ट रो के अंदर सभी एलिमेंट का रो इंडेक्स क्या हुआ ऑलवेज 0, मीन्स फाइनली इस तरह से एलिमेंट को कंप्लीटली एक्सेस करना पॉसिबल। सेम है सेकंड केस में रो इंडेक्स क्या 1, कॉलम इंडेक्स क्या 0, तो इस केस में एलिमेंट को एक्सेस कैसे करेंगे, एरे नेम, रो इंडेक्स, कॉलम इंडेक्स, कॉलम इंडेक्स क्या इस केस में 0, सेम एज अगेन एरे नेम, रो इंडेक्स, कॉलम इंडेक्स 1 1, रो इंडेक्स भी क्या था इस केस में 1, कॉलम इंडेक्स भी क्या है 1, अगेन ए, रो इंडेक्स सभी केस में क्या है सेम 1, लेकिन इस केस में कॉलम इंडेक्स क्या है 2, अगेन ए ऑफ रो इंडेक्स एंड कॉलम इंडेक्स, कॉलम इंडेक्स क्या इस केस में जस्ट 3, सेम इन नेक्स्ट केस, इस केस में एक्सेस कैसे करें ए ऑफ 2 0, मींस 2 क्या इस केस में रो इंडेक्स 0 क्या है कॉलम इंडेक्स, अगेन ए ऑफ 2 1, रो इंडेक्स इज 2, इस केस में सभी एलिमेंट का रो इंडेक्स सेम हुआ डिफरेंट, विद इन अ रो सभी एलिमेंट का सभी कॉलम का रो इंडेक्स कैसा हुआ सेम रो इंडेक्स, लेकिन कॉलम इंडेक्स कैसे हैं डिफरेंट, क्लियर। सेम है विद इन अ कॉलम, विद इन अ कॉलम अगर बात करें तो विद इन अ कॉलम सभी एलिमेंट का कॉलम इंडेक्स कैसा सेम, चेक कर सकते हो थर्ड कॉलम के अंदर, फर्स्ट रो के अंदर भी इसका इंडेक्स कॉलम इंडेक्स क्या है 3, सेकंड रो के अंदर भी कॉलम इंडेक्स क्या है 3 और थर्ड रो के अंदर भी कॉलम इंडेक्स क्या है 3। इस विद इन अ रो, एक सिंगल रो, किसी भी रो की बात करें तो किसी भी रो के अंदर सभी एलिमेंट का रो इंडेक्स कैसा होगा सेम, सेम है विद इन अ कॉलम किसी भी एलिमेंट का कॉलम इंडेक्स कैसा होगा ऑलवेज सेम, क्लियर। फर्स्ट रो के अंदर एलिमेंट क्या शामिल हुए 1, तो इस केस में एलिमेंट और वैल्यू क्या 1, इस प्लेस पर वैल्यू क्या जस्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, दीज आर एलिमेंट्स, क्लियर। इस केस में जस्ट मैं अब एड्रेस प्रॉपर्टी को लेकर बात करूंगा, सपोज दैट इज एरे के फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस क्या है, एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट इज 100, देन व्हाट इज द एड्रेस ऑफ रिमेनिंग एलिमेंट्स, क्लियर। फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस क्या है 100, तो नेक्स्ट एलिमेंट से सभी एलिमेंट के केस में एलिमेंट का टाइप क्या है इंटीजर, इन 16 बिट सी कंपाइलर इंटीजर का साइज क्या था 2 बाइट, मैं जस्ट डायग्राम डिस्कस कर रहा हूँ बेस्ड ऑन 16 बिट सी कंपाइलर, 16 बिट सी कंपाइलर में बाय डिफॉल्ट इंटीजर का साइज क्या रहेगा ऑलवेज 2 बाइट्स, तो फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस अगर 100 है तो नेक्स्ट एलिमेंट इस पर्टिकुलर केस में फर्स्ट एलिमेंट का साइज क्या है 2 बाइट, तो नेक्स्ट ब्लॉक का भी साइज क्या है 2 बाइट्स, इसलिए इन सभी एलिमेंट के एड्रेस में एग्जैक्टली डिफरेंस कितने का आएगा ऑल्सो 2 bytes, 104 106, क्लियर। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द एड्रेस ऑफ सेकंड रो, मींस फर्स्ट रो के केस में फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस क्या है 100, लेकिन सेकंड रो के फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस क्या हुआ, इसे जस्ट एलोकेशन कैसे हुआ कंटिग्यूअस, मींस फर्स्ट रो जस्ट एलोकेट कब होगा जस्ट आफ्टर
सॉरी सेकंड रो क्रिएट का हुआ जस्ट आफ्टर फर्स्ट रो, फर्स्ट रो के जस्ट लास्ट एलिमेंट के बाद एलोकेशन किसके लिए होगा, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सेकंड रो। तो सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट कौन है, फाइव, वैल्यू क्या है फाइव। इसके प्रीवियस रो के लास्ट एलिमेंट का एड्रेस अगर 106 है तो नेक्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस क्या हुआ, लास्ट एलिमेंट ऑफ प्रीवियस रो प्लस टू। तो प्रीवियस रो के लास्ट एलिमेंट का एड्रेस क्या है 106, इसका एड्रेस क्या हुआ 108। मीन से सारे के सारे रो कैसे हैं, रैंडम और कंटिग्यूअस मेमोरी रिप्रेजेंटेशन, कंटिग्यूअस मेमोरी रिप्रेजेंटेशन। क्लियर, जस्ट ये आपको कंफ्यूजन अभी क्लियर हो जाएगा इन केस ऑफ रो मेजर स्टोरिंग और कॉलम मेजर स्टोरिंग। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट एलिमेंट का एड्रेस क्या हो जाएगा 110, देन एड्रेस इज 112 114, नेक्स्ट वन 116 118 120 and 122। क्लियर, इस तरह से एड्रेसिंग प्रोवाइड करना पॉसिबल है। तो मीन्स इस केस में एरे का एड्रेस क्या कंसिडर किया था 100। मेमोरी के अंदर जब आप जैसे किसी भी एरे का एड्रेस डिस्प्ले कराओ, एड्रेस कुछ हो सकता है लेकिन उनमें जस्ट रिलेशन क्या हुआ दैट, अगर आपने 3x4 का एरे क्रिएट किया है तो फर्स्ट रो का एड्रेस क्या है इसके इसमें चेक कर सकते हो 100, फर्स्ट रो का एड्रेस क्या है 100 और सेकंड रो का बेस एड्रेस क्या है 108। सेकंड रो का एड्रेस और सेकंड रो के फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस ऑलवेज कैसा हुआ सेम 108, थर्ड रो के फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस और थर्ड रो का एड्रेस कैसा हुआ सेम 116। मीन्स अगर रो के अंदर किसी भी रो में फोर एलिमेंट्स हैं, एक सिंगल एलिमेंट 2 byte है ऑक्यूपाई करे तो टोटल साइज क्या हुआ रो का 8 byte, इसलिए एड्रेस में भी डिफरेंस कितने का मैंने जोड़ा जस्ट 8 का। क्लियर, इस एरे के कंप्लीट एरे की बात करें तो इस कंप्लीट एरे का भी एड्रेस क्या हुआ, जो फर्स्ट एलिमेंट या फर्स्ट रो का एड्रेस है, मीन्स फर्स्ट एलिमेंट और फर्स्ट रो और एरे का एड्रेस ऑलवेज कैसा हुआ सेम। मीन्स इस कंप्लीट एरे की बात करें तो इस एरे का भी एड्रेस कैसा हुआ ऑल्सो सेम एस 100। क्लियर, जस्ट इस प्रॉपर्टी को भी मैं डिटेल्स में डिस्कस करूंगा इस द वे। मीन्स अगर एक्चुअली मीन्स अभी जस्ट मैंने इस एरे को रिप्रेजेंट किस फॉर्म में किया, इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम्स। लेकिन अगर मेमोरी रिप्रेजेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें इन केस ऑफ रैम, मीन्स एरे या पर्टिकुलर कोई भी मेमोरी एलोकेशन परफॉर्म क्या होगा इन साइड रैम, और आपको पता होना चाहिए रैम के अंदर मेमोरी एलोकेशन किस फॉर्म में रहता है, रो एंड कॉलम और कंटिग्यूअस मेमोरी, मीन्स कंप्लीट होल रैम मेमोरी कंसिडर होता है एज अ सिंगल रो। अगर कंप्लीट होल रैम मेमोरी की बात करें तो कंप्लीट रैम मेमोरी लॉजिकली कंसिडर क्या हुआ एज अ सिंगल रो, मीन्स रैम के अंदर कभी भी ना ही रो क्रिएट होते ना ही कॉलम्स, रैम अपने आप में कंसिडर क्या हुआ कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन। सपोज दैट रैम के अंदर किसी एलिमेंट के फर्स्ट बाइट का एड्रेस अगर 0 है तो नेक्स्ट लास्ट बाइट का एड्रेस में जस्ट एजम्पशन प्रोवाइड करो लास्ट बाइट का एड्रेस क्या समथिंग 65535 लाइक दैट, इस टाइप से एड्रेसिंग है। देन रैम के अंदर सारे के सारे ब्लॉक्स कंसीडर क्या होंगे एज अ वन डायमेंशनल, मीन्स मेमोरी एलोकेशन किस फॉर्म में वन डायमेंशन के फॉर्म में। लेकिन जस्ट आप जब एरे क्रिएट करा वो 2D array का जनरल डायग्राम 2D array के फॉर्म में क्रिएट किया, लेकिन मेमोरी के अंदर 2D array किस फॉर्म में स्टोर होंगे, जब मेमोरी इटसेल्फ सिंगल रो में डिवाइड है तो मेमोरी एलोकेशन भी 2D array के लिए किस फॉर्म में होगा इन द फॉर्म ऑफ वन डायमेंशन। तो अगर मेमोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें इनसाइड रैम, रैम के अंदर इसका एलोकेशन कैसा हुआ सम मिडिल प्लेस, सपोज दैट इस प्लेस का एड्रेस क्या है 100, एडम कर लो 2 bytes के ब्लॉक्स हैं तो नेक्स्ट ब्लॉक का एड्रेस क्या हो 102 104 106 108 110 112 114 116। इसमें जस्ट डिस्कस कर रहा हूँ एक्चुअल मेमोरी रिप्रेजेंटेशन 118 120 122 126 and so on like that। इस पर्टिकुलर केस में अगर सेम एरे के लिए एक्चुअल रैम मेमोरी रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो रैम के अंदर टोटल कितने रो क्रिएट होंगे 3 rows 4 columns, मीन्स टोटल रो और कॉलम्स की बात करें तो टोटल एलिमेंट्स कितने हुए ओनली 3 × 4 मीन्स 12 elements। जैसे एरे के अंदर टोटल एलिमेंट्स कितने 12 और एक सिंगल एलिमेंट का साइज क्या है 2 bytes, इसलिए टोटल साइज क्या हुआ 12 × 2 इज 24 bytes। तो 24 bytes का रैम मेमोरी के अंदर एक कंटिन्यूअस ब्लॉक एलोकेट होगा लाइक दैट। सपोज दैट ये एलोकेशन 100 प्लेस से स्टार्ट हुआ है ना, 100 प्लेस ऑनवर्ड ये कंप्लीट ब्लॉक एलोकेट किसके लिए हुआ है एरे ए के लिए, तो एरे ए के रिस्पेक्ट में इस कंप्लीट ब्लॉक का नेम क्या हुआ ए। नेक्स्ट वन, लेकिन चेक करो इस केस में कहीं आपको रो या कॉलम्स हो रहे हैं क्या नहीं, इस केस में बिगिनिंग में से इंटरनली एरे अगेन
इंटरनली डिवाइड किसमें होगा, रो एंड कॉलम, दिस इज द फर्स्ट रो, नेक्स्ट वन अगेन, दिस इज द सेकेंड रो, देन अगेन दिस इज द थर्ड रो, मीन्स जीरो थ्रो वन टू। ऑलरेडी फिर से मैं आपको बोल रहा हूँ जनरली, अभी मैंने प्रोवाइड क्या किया था, जनरल डायग्राम, लेकिन सारे के सारे एलोकेशन किस प्लेस पर होंगे, इनसाइड रैम मेमोरी। और रैम क्या है, रैम अपने आप में क्रिएट किस फॉर्म होता है, एज अ वन डायमेंशनल एरे। रैम, रैम का स्ट्रक्चर किस फॉर्म में क्रिएट हो, वन डी एरे के फॉर्म में। तो एलोकेशन किस फॉर्म होगा, वन डी एरे के फॉर्म में। टू डी एरे इटसेल्फ भी मेमोरी के अंदर किस फॉर्म में क्रिएट हो रहा है, एज अ वन डी एरे। इसलिए सभी लोकेशन के एड्रेस क्या है, कंटिन्यूस, चेक कर सकते हो। इस केस में लास्ट एलिमेंट का एड्रेस क्या था, 106, उसके जस्ट बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट है इसका एड्रेस क्या हुआ, 108। लेकिन 108 जस्ट क्या है, जस्ट कंटिग्यूअस लोकेशन, क्लियर। 108 भी जस्ट क्रिएट कहाँ हो रहा है, जस्ट आफ्टर लास्ट एलिमेंट। इसलिए मैंने आपको बोला था सारे एलोकेशन कैसे हैं, कंटिग्यूअस। चेक कर सकते हो, फर्स्ट रो के लास्ट एलिमेंट का एड्रेस क्या है, 106, तो सेकेंड रो के फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस क्या है, जस्ट 108, क्लियर। नेक्स्ट वन, इसे एलिमेंट के किस में, दिस द जीरो थ्रो, जीरो थ्रो के अंदर इस फर्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स क्या है, 0 1 2 3। नेक्स्ट वन अगेन स्टार्ट क्या रहा, फर्स्ट रो, तो फर्स्ट रो के किस में, पर्टिकुलर 108 क्या, फर्स्ट एलिमेंट, तो फर्स्ट एलिमेंट का भी इंडेक्स अगेन क्या हुआ, 0 1 2 3, अगेन 0 1 2 3। तो इसको यूनिकली कैसे आइडेंटिफाई करें, बेस्ड ऑन रो इंडेक्स कॉलम इंडेक्स। तो इसके इसमें रो का इंडेक्स सभी एलिमेंट के इसमें क्या, 0, इसलिए अप्लाई क्या करें, 0 0 0 1 0 2 0 3, क्लियर। इसके इसमें रो का इंडेक्स क्या है, 1, कॉलम इंडेक्स क्या है, 0 1 0 1 1 1 2 1 3। सेम है इसके इसमें रो इंडेक्स क्या है, 2, तो 2 0 2 1 2 2 2 3। तो करेंटली इस टाइप के रिप्रेजेंटेशन को आप नेम दोगे एज रो मेजर स्टोरिंग, इसको नेम क्या देंगे, रो मेजर स्टोरिंग। जनरली किसी भी एरे के रिस्पेक्ट में बात करें तो मेमोरी के अंदर एरे को स्टोर करने के जस्ट टू अप्रोच हैं, रो मेजर स्टोरिंग और कॉलम मेजर स्टोरिंग। तो करेंटली ये टू डी एरे किस फॉर्म में स्टोर हुआ, एज अ सिंगल रो, इसलिए इसको नेम दोगे एज अ रो मेजर स्टोरिंग। दूसरा पॉसिबल केस क्या है, कॉलम मेजर स्टोरिंग। कॉलम मेजर स्टोरिंग के रिस्पेक्ट में बात करें तो सबसे में से एलिमेंट किस फॉर्म में रिप्रेजेंट होंगे, जस्ट कॉलम वाइज, मीन्स लाइक दैट। अगर सेम डायग्राम कॉलम मेजर स्टोरिंग के अकॉर्डिंग बात करें, प्लेस पर जस्ट स्टोर क्या हुआ है, एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अकॉर्डिंग टू रो मेजर। अगर कॉलम मेजर स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले रिप्रेजेंट क्या हुआ, फर्स्ट कॉलम। सेम डायग्राम में शो करूँ आपको अकॉर्डिंग टू कॉलम मेजर स्ट्रक्चर। कॉलम मेजर के अकॉर्डिंग फर्स्ट कॉलम में जस्ट एलिमेंट कितने, 3 एलिमेंट्स, तो इससे रिप्रेजेंट क्या हुआ, दिस इज द फर्स्ट कॉलम, क्लियर। टोटल कॉलम्स कितने, 4 कॉलम, दिस इज द सेकेंड कॉलम, दिस इज थर्ड कॉलम। तो टोटल इस टाइप के कॉलम्स कितने, 4, एंड दिस इज द लास्ट कॉलम, क्लियर। इस केस में कॉलम इंडेक्स क्या हुआ, 0 1 2 3। फर्स्ट कॉलम के अंदर एलिमेंट्स क्या है, 3 एलिमेंट, तो इस केस में फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 1, इस कॉलम का सेकेंड एलिमेंट क्या है, 5, थर्ड एलिमेंट क्या है, 9, तो इस केस में एलिमेंट देन 2 6 10। नेक्स्ट वन 3 7 11, 3 7 11, नेक्स्ट वन 4 8 12, क्लियर। मीन्स फर्स्ट केस में रिप्रेजेंटेशन कौन सा है, रो मेजर स्टोरिंग। सेकेंड केस में रिप्रेजेंटेशन क्या है, कॉलम मेजर स्टोरिंग। रो मेजर स्टोरिंग इज फॉलोड बाई सी लैंग्वेज, मीन्स जस्ट सी लैंग्वेज के किस बात करें तो सी लैंग्वेज के अंदर टू डी एरे किस फॉर्म में स्टोर होता है, इन द फॉर्म ऑफ रो मेजर स्टोरिंग। लेकिन कॉलम मेजर स्टोरिंग की बात कर रहे हैं तो कॉलम मेजर स्टोरिंग फॉलो कौन करता है, जस्ट फोर्टान लैंग्वेज, फोर्ट्रान। अगर आप फोर्ट्रान यूज कर रहे हो, फोर्ट्रान के केस में जस्ट एरे किस फॉर्म में स्टोर होगा, मेमोरी के अंदर, इन द फॉर्म ऑफ कॉलम मेजर, मीन्स कॉलम वाइज। लेकिन जस्ट मैं सी के अकॉर्डिंग सारे डायग्राम क्रिएट करूँ तो सी के अंदर सारे के सारे डायग्राम किस फॉर्म, इन द फॉर्म ऑफ रो मेजर स्टोरिंग, क्लियर। मीन्स एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन क्या हुआ, गिवन। लेकिन जब मैं प्रोग्राम्स इंप्लीमेंट करूंगा इन नेक्स्ट केसेस, तो प्रोग्राम्स के केस में ऑलवेज सेम स्ट्रक्चर फॉलो करें, क्लियर। देन इस केस में कुछ अदर प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहा हूँ बेस्ड ऑन टू डायमेंशनल एरे। नेक्स्ट केस, एड्रेस के रिस्पेक्ट में बात करें, आपको याद हो जस्ट मैंने इन बात की थी इन केस ऑफ वन डायमेंशनल एरे। फॉर एग्जाम्पल इस केस में जस्ट मैं आप कंपेयर क्या कर रहा हूँ, एड्रेस प्रॉपर्टी ऑफ वन डायमेंशनल एरे। अगर मैं कोई वन डी एरे क्रिएट करता हूँ लाइक दैट, इंटीजर ए ऑफ 5, तो इस केस में एरे के अंदर जस्ट एलिमेंट्स कितने क्रिएट हो रहे हैं, 5 एलिमेंट्स, प्लस एरे का टाइप क्या है, वन डायमेंशनल
एरे, तो टोटल इसके अंदर एलिमेंट्स कितने क्रिएट होंगे, 5 एलिमेंट। और फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस 100 है, तो नेक्स्ट का एड्रेस क्या, समथिंग 102 104 105 106। इसके इसमें एरे का नेम क्या है, ए। एरे के फर्स्ट एलिमेंट का भी नेम क्या है, ऑल्सो ए, एंड सो ऑन। अगर इसके इसमें जस्ट डिस्प्ले कराता हूँ एड्रेस ऑफ ए, एड्रेस ऑफ ए के केस में जस्ट आउटपुट क्या प्रिंट होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इन केस ऑफ एड्रेस ऑफ ए। एड्रेस ऑफ ए मीन्स एरे के एड्रेस ऑफ ए और ओनली ए, इन दोनों से क्या प्रिंट हुआ, एरे का बेस एड्रेस। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, एड्रेस ऑफ ए के केस में जस्ट रिप्रेजेंट क्या हुआ, एरे के फर्स्ट एलिमेंट का, एड्रेस ऑफ ए मीन्स होल एरे का एड्रेस, और होल एरे का एड्रेस क्या है, जस्ट 100। और एरे के फर्स्ट एलिमेंट का भी एड्रेस क्या है, ऑल्सो 100। तो इससे केवल ए से भी क्या प्रिंट हुआ, ऑल्सो 100। दिस इज द प्रीवियस प्रॉपर्टी। सेम एज अगर मैं राइट डाउन करता हूँ एड्रेस ऑफ ए प्लस वन एंड ओनली ए प्लस वन, तो इस केस में फर्स्ट केस में आपको याद होगा इस फर्स्ट एड्रेस ऑफ ए से क्या प्रिंट होगा, इस कंप्लीट एरे का एड्रेस, और कंप्लीट एरे का साइज क्या है, 10 bytes। तो इस केस में इंक्रीमेंट कितने से होगा, 10 से। अगर एरे का एड्रेस 100 है तो 10 से इंक्रीमेंट करने पर न्यू रिजल्ट क्या आएगा, 110। लेकिन सेकेंड केस में केवल ए से क्या प्रिंट हो रहा है, अगेन बेस एड्रेस 100। लेकिन ये बेस एड्रेस 100 किसका है, होल एरे का और ओनली फर्स्ट एलिमेंट का। एड्रेस ऑफ ए मीन्स एड्रेस ऑफ कंप्लीट एरे, एंड केवल ए का मतलब क्या है, ए मीन्स एड्रेस ऑफ ओनली फर्स्ट एलिमेंट, और फर्स्ट एलिमेंट का साइज क्या है, 2 bytes। तो इसके इसमें जस्ट इंक्रीमेंट कितने से होगा, ओनली 2। क्लियर। सेम एज अगर मैं राइट डाउन करता हूँ एड्रेस ऑफ ए ऑफ 0, तो एड्रेस ऑफ ए 0 मीन्स फर्स्ट एलिमेंट, तो एड्रेस ऑफ ए 0 का भी एड्रेस क्या है, 100। और फर्स्ट एलिमेंट के एड्रेस में अगर आप 1 से इंक्रीमेंट कराओगे, फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस क्या है, 100, साइज क्या है इसका, 2। तो इस केस में भी इंक्रीमेंट कितने से होगा, 2 से। तो इसलिए ये दोनों ही टर्म्स कैसे हैं, एग्जैक्टली सेम। इसे एरे वन डायमेंशन के केस में एरे नेम इटसेल्फ रिप्रेजेंट क्या करता है, होल एरे का एड्रेस और फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस, फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस। वन मोर थिंग, अगर मैं इस केस में डिस्प्ले कराता हूं समथिंग लाइक दैट, साइज ऑफ ए, एंड सेकेंड केस साइज ऑफ ए ऑफ 0 और ए ऑफ आई मीन्स एनी एलिमेंट, एरे के अंदर कोई भी एलिमेंट उठा के देख लो, सभी एलिमेंट का साइज क्या है, 2 bytes। तो साइज ऑफ ए ऑफ आई के केस में साइज क्या है, जस्ट 2। और साइज ऑफ ए मीन्स होल एरे का साइज, तो इस कंप्लीट एरे का साइज क्या है, 10। तो इस केस में क्या है, जस्ट 10 bytes। और सेम प्रॉपर्टी में कंपेयर करूंगा विद 2-dimensional एरे। क्लियर। फर्स्ट वन साइज ऑफ मीन्स, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं अबाउट साइज प्रॉपर्टी, डिस्प्ले कराया मैंने साइज ऑफ ओनली ए। क्लियर। दूसरा केस क्या है, साइज ऑफ ए ऑफ 0। क्लियर। देन अगेन सेम है साइज ऑफ ए ऑफ 1। क्लियर, लाइक दैट। इस टाइप के डिफरेंट साइज प्रॉपर्टीज की बात करें। नेक्स्ट अदर केस क्या रहेगा, जस्ट साइज ऑफ ए ऑफ I and J means any element or any index like that। Space पर भी आप चाहो तो use क्या कर सकते हो, only I, not a 0-1। 0-1 use करो, only IJ use करो। I use को दोनों की meaning कैसे सेम हो, I means any index, may be 0, may be 1, may be 2। तो इसके इसमें size of A की बात करें, size of A means address of whole array, इसे complete array के अंदर elements कितने, 12। और सभी element के केस में बात करें तो एक single element के size क्या, 2 bytes, तो total size क्या, 12 multiply by 2 is 24। तो A का size क्या है, इसके इसमें A means whole array का size क्या है, 24। साइज ऑफ ए ऑफ आई, आई मीन्स आई के प्लेस पर क्या है, मे बी 0, मे बी 1, मे बी 2। अब चाहे 0 इंडेक्स वाले रो की बात करो या 1 इंडेक्स वाले रो की बात करो या 2 इंडेक्स वाले रो की, इसके इसमें साइज किसका रिप्रेजेंट हो रहा है, ए ऑफ आई से, जस्ट साइज ऑफ सिंगल रो। तो किसी भी रो का साइज नहीं, सभी रो के साइज कैसे, सेम और डिफरेंट, सेम साइज। फर्स्ट रो का साइज क्या है, 8, सेकंड रो का भी साइज क्या है, 8, थर्ड रो का भी साइज क्या है, 8। अगर आपको किसी रो का साइज स्पीक कराओ तो रो का साइज क्या आएगा, 8 bytes। साइज किस फॉर्म में, bytes के फॉर्म, क्योंकि रो के अंदर एलिमेंट्स कितने, 4, और एक सिंगल एलिमेंट का साइज 2 bytes है, तो टोटल साइज क्या हुआ, 8 bytes। a ऑफ i ऑफ j, i ऑफ j जस्ट रिप्रेजेंट क्या करेगा, एनी एलिमेंट। तो किसी भी एलिमेंट की बात कर रहे हैं, जैसे एरे के अंदर एलिमेंट किस टाइप के, इंटीजर टाइप के, तो इसके इसमें किसी भी एलिमेंट का साइज क्या आएगा, 2 bytes। क्लियर। दिस इज द प्रॉपर्टी रिलेटेड टू साइज। नेक्स्ट वन एड्रेस प्रॉपर्टीज, एड्रेस प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं। एड्रेस के केस में जस्ट हमने डिस्प्ले कराया एड्रेस ऑफ ए,
एंड एड्रेस ऑफ ए ऑफ जीरो, ए ऑफ जीरो मीन्स एनी रो, एंड एड्रेस ऑफ एड्रेस ऑफ ए ऑफ जीरो जीरो. वन मोर केस, एरे नेम इटसेल्फ रिप्रेजेंट क्या करता है, ऑल्सो एड्रेस. क्लियर, तो मैं स्पेस पर जस्ट मेंशन क्या कर रहा हूं, ओनली एरे नेम ए. नेक्स्ट वन, अगर मैंने मेंशन किया रो नेम, मीन्स इस केस में इसे एरे के फर्स्ट एलिमेंट का नेम क्या है ए जीरो जीरो, सेकंड एलिमेंट का नेम क्या था ए जीरो वन, लेकिन इसके फर्स्ट इस होल एरे की बात करें होल एरे का नेम क्या है ए. सिमिलरली इस एरे के फर्स्ट रो का नेम क्या है ए जीरो, इसे एरे के सेकंड रो का नेम क्या हुआ ए वन. तो ए वन इस केस में ए जीरो क्या है नेम ऑफ द फर्स्ट रो, ए वन क्या है नेम ऑफ द सेकंड रो, और ए इटसेल्फ क्या है नेम ऑफ द कंप्लीट एरे. नेक्स्ट वन, इस केस में थर्ड रो का नेम क्या हुआ ए ऑफ टू, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी. सिमिलरली ए ऑफ जीरो अपने आप में क्या है वन डायमेंशनल एरे, और वन डायमेंशनल एरे नेम से रिप्रेजेंट क्या होता है एरे के फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस. तो सारे प्रॉपर्टी अगेन मैं कंपेयर कर रहा हूँ इस केस में, इस साइज प्रॉपर्टी में ऑलरेडी फिनिश कर चुका हूँ. नेक्स्ट वन क्या है एड्रेस प्रॉपर्टी, एड्रेस के रिस्पेक्ट में जस्ट मैंने डिस्प्ले कराया एड्रेस ऑफ ए, एड्रेस ऑफ ए. नेक्स्ट वन प्लस वन, इस केस में जस्ट मैंने डिस्प्ले किया एड्रेस ऑफ ए. तो एड्रेस ऑफ ए के केस में बात करें होल एरे का एड्रेस प्रिंट होगा, होल एरे का एड्रेस क्या है वाट एवर एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट और होल एरे और फर्स्ट रो का एड्रेस ऑलवेज कैसा होगा सेम. तो इस केस में एड्रेस क्या रहा जस्ट 100. क्लियर. नेक्स्ट केस अगर मैं राइट डाउन करता हूँ एड्रेस ऑफ ए प्लस वन, इस केस में एड्रेस ऑफ ए से क्या रेफर हो रहा है होल एरे का एड्रेस. जब भी आपको किसी एड्रेस में इंक्रीमेंट कराते हो तो इंक्रीमेंट कितने से होता है डिपेंड करेगा ये एड्रेस कितने बाइट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो एड्रेस ऑफ ए से रिप्रेजेंट कर रहा है होल एरे का एड्रेस, और होल एरे का साइज क्या है 24. तो इस केस में इंक्रीमेंट भी कितने से होगा जस्ट 24. मीन्स एड्रेस ऑफ ए मीन्स 100, 100 प्लस 24 इज 124. क्लियर, दिस इज द फर्स्ट केस. इस तरह से आपने वन डायमेंशनल एरे के केस में जब एरे नेम में इंक्रीमेंट वन से कराया था तो उस केस में इंक्रीमेंट किससे हुआ था होल एरे के साइज से. होल एरे का साइज क्या था इस केस में 10 बाइट्स, इसलिए इंक्रीमेंट कितने से हुआ 10 से. इस केस में होल एरे का साइज क्या 24 बाइट, इसलिए इंक्रीमेंट भी कितने से हुआ 24 से. नेक्स्ट केस, नेक्स्ट केस में एड्रेस ऑफ ए जीरो, ए जीरो अपने आप में क्या है जस्ट फर्स्ट रो, और फर्स्ट रो के मीन्स किसी भी रो के प्रॉपर्टी आप कंपेयर किससे करोगे एग्जैक्टली वन डायमेंशनल एरे, क्योंकि कोई भी रो अपने आप में क्या है वन डी एरे. क्लियर, इस टू डी एरे का जस्ट बेसिक डेफिनेशन क्या है, टू डी एरे इज अ कलेक्शन ऑफ वन डायमेंशनल एरे. इस केस में टू डी एरे के अंदर टोटल नंबर ऑफ वन डी एरे कितने है, इस द फर्स्ट वन डी एरे, दिस द अनदर वन डी एरे, दिस द अनदर वन डी एरे. इस कोई भी रो अपने आप में क्या होता है एज अ वन डायमेंशनल एरे. टोटल वन डी एरे कितने, इसके अंदर थ्री वन डायमेंशनल एरे. फर्स्ट वन डी एरे का नेम क्या है इस केस में ए जीरो, सेकेंड वन डी एरे का नेम क्या लाइक ए वन. क्लियर, जस्ट बेसिक्स. तो इस केस में आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा अगर आप किसी भी रो के प्रॉपर्टीज वन डायमेंशनल एरे से कंपेयर करो. फॉर एग्जाम्पल इस पर्टिकुलर केस में ए ऑफ जीरो क्या है अपने आप में वन डायमेंशनल एरे का नेम और फर्स्ट रो का नेम. इस केस में ये क्या था नेम ऑफ वन डी एरे. तो इस केस में जो प्रॉपर्टी ए के लिए अप्लाई हुए इस केस में अगर आप राइट डाउन करते हो सिंपली एडमिशन इस केस में ए ऑफ जीरो किसके सिमिलर है ए के सिमिलर. तो यहाँ अगर इसके लिए मैं एड्रेस अप्लाई करता हूँ तो एड्रेस ऑफ ए जीरो, एड्रेस ऑफ ए जीरो इटसेल्फ रिप्रेजेंट क्या करेगा होल रो का एड्रेस, मीन्स कंप्लीट रो का एड्रेस. तो यहाँ एड्रेस ऑफ ए जीरो रिप्रेजेंट क्या करेगा फर्स्ट रो का एड्रेस, और फर्स्ट रो का भी एड्रेस क्या है ऑल्सो 100. क्लियर, तो इस केस में क्या आएगा अगेन 100. लेकिन फर्स्ट एरे सॉरी नेक्स्ट टाइम मैंने राइट डाउन किया एड्रेस ऑफ ए जीरो प्लस वन. तो यहाँ एड्रेस ऑफ ए जीरो मीन्स ए जीरो अपने आप में क्या था फर्स्ट एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो, फर्स्ट रो मीन्स वन डायमेंशनल एरे. तो यहाँ आप एम्परसेंट किस लिए अप्लाई कर रहे हो वन डायमेंशनल एरे के लिए या फर्स्ट रो के लिए. तो फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में आप कहें फर्स्ट रो के एड्रेस में इंक्रीमेंट हो रहा है, फर्स्ट रो का साइज क्या है 8 बाइट. तो अगर आप किसी भी रो के एड्रेस में इंक्रीमेंट कराओ तो इंक्रीमेंट किससे होगा साइज ऑफ रो. तो इस केस में इस फर्स्ट रो का साइज क्या है जस्ट 8 बाइट. तो इस केस में इंक्रीमेंट कितने से होगा 8 से. एड्रेस क्या था 100, रो का एड्रेस क्या है 100, 100 प्लस 1 108. तो इस केस में आपको प्रॉपर्टी क्या मिलेगा 108. वन मोर टाइम्स और सेम केस में
एक और केस रिप्रेजेंट कर रहा हूं, मैंने राइट डाउन किया एड्रेस ऑफ ए ऑफ वन, तो ए ऑफ वन भी अपने आप में रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, अगेन सिंगल दो, इसे इसको कंसिडर करो जाए वन डायमेंशनल एरे। सो ए ऑफ वन और वन डायमेंशनल एरे से क्या था, फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस, इस केस में फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस क्या 108, तो इसका एड्रेस क्या आएगा 108। लेकिन ये एड्रेस कितने एलिमेंट्स का है, ये सिंगल एलिमेंट का है, सिंगल रो का है, मीन्स कंप्लीट रो का है, कंप्लीट रो का साइज क्या 8 byte। तो अगेन अगर इस केस में राइट डाउन करता हूँ एड्रेस ऑफ ए ऑफ वन प्लस वन, तो इस केस में इंक्रीमेंट किससे हुआ, साइज ऑफ रो, इस रो का एड्रेस क्या 108 और 108 में रो के साइज इंक्रीमेंट कराएं, रो का साइज क्या 8 byte, क्या आएगा 116। क्लियर, मीन्स किसी भी रो में या रो के एड्रेस में आप वन से इंक्रीमेंट कराओ तो आपको क्या मिल जाएगा, एड्रेस ऑफ बिगिनिंग एड्रेस ऑफ नेक्स्ट रो, चेक कर सकते हो करंट रो का एड्रेस क्या 108, वन से इंक्रीमेंट कराने पर क्या मिला 116, और 116 क्या है बेस एड्रेस ऑफ नेक्स्ट रो। क्लियर, नेक्स्ट प्रॉपर्टी एड्रेस ऑफ ए 00, ए 00 मीन्स जीरो से क्या रिप्रेजेंट हो रहा फर्स्ट रो, और इस जीरो से क्या रिप्रेजेंट हो फर्स्ट कॉलम, मीन्स फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस, मीन्स ए 00 अपने आप में क्या सिंगल एलिमेंट, और सिंगल एलिमेंट का साइज क्या 2 byte, तो इस केस में अगर ए 00 एलिमेंट की बात करें, ए 00 वाले एलिमेंट का एड्रेस क्या 100, लेकिन ये 100 कितने बाइट का एड्रेस है, होल एरे का एड्रेस या होल या सिंगल रो का एड्रेस या सिंगल एलिमेंट का एड्रेस, सिंगल एलिमेंट का एड्रेस, और जैसे एलिमेंट का साइज क्या 2 bytes, तो इंक्रीमेंट भी कितने से होगा जस्ट 2 से, तो क्या मिलेगा इस केस में जस्ट 102। क्लियर, ये सारे प्रॉपर्टी याद रखना। नेक्स्ट वन कॉन्सेंट्रेट करना ओनली ए, इस केस में ए क्या है, ए इज अ एरे नेम, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट कन्फ्यूजियस प्रॉपर्टी, इस केस में मोस्टली आपको कन्फ्यूजन रहेगा, इसे आपको याद हो वन डायमेंशनल एरे के केस में एरे नेम से क्या रिप्रेजेंट हुआ था, होल एरे का एड्रेस और एरे के फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस, एरे के फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस, लेकिन यहाँ ए क्या है इस केस में वन डायमेंशनल एरे नेम से रिप्रेजेंट हो रहा है या 2D एरे का नेम रिप्रेजेंट हो रहा है, 2D एरे का नेम रिप्रेजेंट हो रहा है, जब भी आप 2D एरे का नेम प्रिंट कराओगे तो अगेन इससे रिप्रेजेंट क्या हुआ, एरे के फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस, लेकिन आपको कन्फ्यूजन होगा इसे 2D एरे के रिस्पेक्ट मत करना है, तो इसे एरे के लिए 2D एरे के लिए कोई भी रो अपने आप में कंसिडर होगा एज अ सिंगल एलिमेंट और फर्स्ट एलिमेंट, मीन्स इस केस में एरे के लिए अगर फर्स्ट एलिमेंट की बात करें, एरे का फर्स्ट एलिमेंट क्या है, दिस कंप्लीट फर्स्ट रो, फर्स्ट रो पूरा का पूरा फर्स्ट रो कंसिडर होगा एज अ फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड रो कंसिडर होगा सेकेंड एलिमेंट, मीन्स इसे एरे के लिए फर्स्ट एलिमेंट क्या है 0th रो, सेकेंड एलिमेंट क्या है 1 रो, और थर्ड एलिमेंट क्या है सेकेंड रो, लेकिन ये जो 00 फर्स्ट एलिमेंट किसके लिए है, इसे एरे के लिए फर्स्ट एलिमेंट है और इस रो का फर्स्ट एलिमेंट है, इस रो का फर्स्ट एलिमेंट क्या है ए 00, लेकिन इसे एरे का फर्स्ट एलिमेंट क्या है ए 0, एरे का फर्स्ट एलिमेंट क्या है जस्ट ए 0। क्लियर, इस केस में ये पर्टिकुलर ए इटसेल्फ रिप्रेजेंट क्या कर रहा है जस्ट फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस, और इसे एरे के लिए फर्स्ट एलिमेंट क्या हुआ दिस कंप्लीट रो, मीन्स ए इटसेल्फ रेफर क्या करेगा फर्स्ट रो, मीन्स अगर एग्जैक्टली बात करें इस केस में ए किसके सिमिलर है, ए इज सिमिलर टू फर्स्ट रो, और फर्स्ट रो का नेम क्या है, मीन्स ए से क्या रिप्रेजेंट होगा बेस एड्रेस, एड्रेस ऑफ ए 0, ये दोनों ही केस कैसे सेम, जो प्रॉपर्टी आप एड्रेस ऑफ ए 0 के लिए अप्लाई करो सेम प्रॉपर्टी ए के लिए अप्लाई होंगी, स्पेशली याद रखना। तो एड्रेस ऑफ ए 0 में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, इसे प्रॉपर्टी किसके सिमिलर लाइक दैट, इस केस में ए एड्रेस ऑफ ए ऑफ 0 से क्या रिप्रेजेंट हुआ था होल रो का एड्रेस, और एरे नेम से भी रिप्रेजेंट क्या हुआ होल फर्स्ट रो का एड्रेस, मीन्स इससे क्या रिप्रेजेंट हुआ फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस है फर्स्ट रो, मीन्स इसे एरे के लिए 2D एरे के लिए फर्स्ट रो कंसिडर होगा एज अ फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड रो कंसिडर होगा सेकेंड एलिमेंट, और थर्ड रो कंसिडर होगा एज अ थर्ड एलिमेंट, तो किसी भी रो की बात करें तो रो का साइज क्या है इस केस में 8 byte, तो यहाँ इस केस में ए इटसेल्फ रिप्रेजेंट क्या कर रहा है फर्स्ट रो, और फर्स्ट रो का साइज क्या है 8 byte, तो इस केस में इसे एड्रेस भी कितने बाइट का रिप्रेजेंट हो रहा है 8 byte का, तो इसको प्रूव करने के लिए आप यूज कर सकते हो जस्ट ए प्लस वन, अगर रियल में इसे ए से फर्स्ट रो का एड्रेस रिप्रेजेंट हो रहा है या फर्स्ट रो कंप्लीटली रिप्रेजेंट हो रहा है, ए मीन्स फर्स्ट रो, मीन्स कहीं भी अगर आप एड्रेस ऑफ ए ऑफ 0 यूज करो तो एड्रेस ऑफ ए ऑफ 0 के प्लेस पर अगर आप सिंपली ए भी यूज करो तब भी इसका मीनिंग चेंज नहीं हुआ, तो इस केस में जस्ट फर्स्ट एरे सॉरी फर्स्ट रो का एड्रेस फर्स्ट रो का साइज क्या है 8 byte, इंक्रीमेंट कितने से होगा 8 से, क्या आएगा
108, clear? Means address of A0 is similar to A. In case of one dimensional array के केस में आपको याद हो A and address of A0 इन दोनों के मीनिंग कैसे थे? सेम, चेक कर सकते हैं इस केस में, ऑलरेडी मैंने नोट कराया A के केस में इंक्रीमेंट कितने से हुआ था? 2 से, और address of A0 में भी इंक्रीमेंट कितने से हुआ था? जस्ट 2 से. ये दोनों प्रॉपर्टी कैसे हैं? ऑलवेज सेम, सेम एज इन दैट केस. इस फर्स्ट प्रॉपर्टी को मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं, देन सेकंड प्रॉपर्टी कैसा भी होगा एग्जैक्टली सेम, क्लियर. नेक्स्ट वन a of 0 इस केस में क्या है? मींस इस फर्स्ट रो का नेम, a of 0 इटसेल्फ क्या है? फर्स्ट रो का नेम. और इस केस में चेक कर सकते हो ए क्या है, ए इस रो का नेम है, तो ए से क्या रिप्रेजेंट हो रहा है? फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस. इस केस में ए ऑफ जीरो भी क्या है? फर्स्ट रो का नेम, और फर्स्ट रो के नेम से रिप्रेजेंट क्या है? ओनली फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस, क्लियर. फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस क्या है? फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस 100 है, लेकिन एड्रेस कितने बाइट्स का है? 2 बाइट्स का. तो यहाँ इंक्रीमेंट कितने बाइट से होगा? 2 से. मीन ए जीरो से भी क्या रिप्रेजेंट होगा? ऑल्सो बेस एड्रेस ऑफ फर्स्ट रो, लेकिन इस केस में इंक्रीमेंट अगर कराओगे आप ए जीरो प्लस 1, तो इस केस में इंक्रीमेंट. मीन्स ए ऑफ 0 क्या है? फर्स्ट रो का नेम, और रो के नेम में आप वन डायमेंशनल एरे के नेम में जब डायरेक्टली इंक्रीमेंट कराते तो इंक्रीमेंट कितने से होता? 2 से. तो इस केस में इंक्रीमेंट कितने से होगा? जस्ट 2 से. क्या होगा? 102. मीन्स इस केस में ए 0 एग्जैक्टली किसके सिमिलर है? चेक कर सकते हो ए 0 इज सिमिलर टू एड्रेस ऑफ ए 00. मीन्स ये दोनों ही प्रॉपर्टी कैसे सेम, और ये दोनों प्रॉपर्टी कैसे सेम, इन दोनों को स्पेशली याद रखना. नेक्स्ट केस में जस्ट इन गिवन प्रॉपर्टीज के बेसिस पर जस्ट मैं आपको एग्जांपल डिस्प्ले कराऊंगा, सेम एग्जांपल इन गिवन प्रॉपर्टी के बेसिस पर डिस्कस करें, देन फाइनली डिस्कस करूंगा हाउ टू एक्सेसिंग एलिमेंट ऑफ 1 2 डायमेंशनल एरे.